सर ये तो मुस्लिम समाज को सोचना है कि ये धमकी क्यों देते हैं, हिंदू सही असहिष्णु सहिष्णु है और वो असहिष्णु है। वो एक जज को भी धमकी देते हैं मारने की, एक प्रवक्ता को भी 70,000 धमकी आ जाती है सर तन से जुदा कहने की, तो षड्यंत्र के तहत जज साहब को भी धमकाया जा रहा है, लेकिन उनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। जज साहब के साथ ये पूरा देश खड़ा है और योगी जी के राज्य में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये अलकायदा या ये जो मुस्लिम समाज है कभी मस्जिदों जुम्मे की नमाज के बाद धमकियाँ दे रहा है रोडों पर उतर के, या जजों को धमकियाँ दे रहा है या प्रवक्ता को धमकी दे रहा है, ये गलत है। नमस्कार, अभी हम हैं कनॉट प्लेस पे, लोगों से जानने पहुंचे हैं क्योंकि कानपुर हिंसा के बाद देश में कई जगह प्रदर्शन हुआ, कई जगह तोड़फोड़ हुई और उसके बाद भी कई ऐसे प्रदर्शन हुए जिनमें लगभग प्रयागराज में अभी तक 5,000 लोगों पर अज्ञात FIR किया गया है और सबसे ज़्यादा तेज कार्रवाई प्रयागराज में ही हुई है। लोगों से जानने पहुँचे कि ये जो क्या धर्म के आड़ में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो देश का एक जो आईना बना हुआ था वैश्विक स्तर पे, उसको क्या जो क्षति उसको पहुँचाई जा रही है, क्या यह सही है भविष्य के लिए? क्या नाम पड़ेगा सर? रामेश्वर आर्य। सर अभी कल जब प्रदर्शन हुआ, शुक्रवार को जब प्रदर्शन हुआ और देश में कई विभिन्न जगह पर हुआ, एक साथ इतने जगह पर प्रदर्शन, क्या लगता है आपको, एक या क्या ये प्लानिंग के रूप में हुआ, क्या किस रूप में हुआ था? सर ये पूरी प्लानिंग है, प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं संयोग नहीं प्रयोग है, और ये ऐसा प्रयोग था जो कि इस देश को अस्थिर करने के लिए था। ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पहले भी कर चुके हैं। जंतर मंतर प्रदर्शन के लिए बनाया गया स्थान है, गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया स्थान है, लेकिन इन्होंने शाहीन बाग क्रिएट किया। शाहीन बाग क्रिएट करके इन लोगों ने वहाँ पे प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि महिलाएं बच्चों को आगे कर दिया, इन्होंने एक नया पैटर्न चला है और वो पैलेस्टीन में भी चल रहा है। तो ये पूरा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो शुक्रवार की नमाज के बाद ही हो रहा है। पिछली बार इन्होंने पिछले शुक्रवार जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में हिंसा करी, उस दिन राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी को अपने घर में अपने गांव में इनवाइट किया था और 80,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा था वहां। एक साजिश के तहत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी और योगी जी मुख्यमंत्री को अपमानित करने या उनके खिलाफ एक षड्यंत्र किया गया। उस दिन 80,000 करोड़ आया तो देश में अगर दंगा प्रदेश होगा तो इन्वेस्टमेंट ना आए, इस तरीके की एक साजिश रची और अभी भी वही चल रहा है। ये पैटर्न है ना, जो ये सिर्फ एक मोदी विरोधी पैटर्न है, ये अगर जीत नहीं सकते लोकतंत्र में तो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। और हाँ। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जो कानपुर वाले हिंसा में, उसमें नाम, उसमें एडमिन थे सपा के भी, विधायक का भी नाम रहा, नाम था, तो ये विपक्ष यहाँ पे जो अपनी अहम भूमिका निभाने की बजाय ये क्या कर रहा है? सर वही तो मैं कह रहा हूँ, ये प्रयोग जो है वो सत्ता के विपक्षियों के समर्थन के बिना नहीं हो सकता। मैं एक बात बताता हूँ, जो विधायक का समर्थन उन्हें मिला है तभी तो दंगा हो पाया, और कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए थे, पुलिस वालों का भी नाम आया है। तो कहने का मकसद ये, अभी दिल्ली में भी जो हुआ था तो सोनिया गांधी ने कहा था ये इस पार या उस पार की लड़ाई है, नागरिकता संशोधन कानून था, नागरिकता देने का कानून था, लेकिन इन्होंने कहा NRC कानून है, मुस्लिमों की नागरिकता चले जाएगी। आज 2 साल से ज़्यादा हो गया है उस बिल को पास होकर, एक भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई, जबकि इस देश में अदनान सामी को नागरिकता मिल गई और 24 से ज़्यादा मुसलमानों को भी नागरिकता मिली, लेकिन इन्होंने षड्यंत्र किया। किसके खिलाफ? सत्ता के खिलाफ। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ना मोदी को हरा पा रहे ना योगी को, तो ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि सरकार झुक जाए, लेकिन सरकार झुकेगी नहीं। सरकार को जिताने वाले 35 करोड़ लोग हैं। अच्छा, ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर पे जो आया, उसके फैसला लेने वाले जज पे भी मारने की धमकी दी गई, आरोप लगाया गया कि आप हिंदू है इसलिए हिंदू के पक्ष में फैसला सुनाएंगे। सर ये तो मुस्लिम समाज को सोचना है कि ये धमकी क्यों देते हैं, हिंदू सही असहिष्णु है और वो असहिष्णु है। वो एक जज को भी धमकी देते हैं मारने की, एक प्रवक्ता को भी 70,000 धमकी आ जाती है सर तन से जुदा कहने की, जबकि वो बात फैक्ट है, किताब में लिखी है। और ज्ञानवापी में अगर कुछ होता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये हवाला दे रहे हैं, वो 100 साल पुराने जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन पर नहीं लगता। ज्ञानवापी में मंदिर है, उसकी गौरी श्रृंगार की पूजा 1991 तक होती थी, ये प्रूफ है। अब उसकी एक साल में एक बार पूजा होती है। वो मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो बाद में बनाया गया, औरंगजेब ने तोड़ दिया था। ज्ञानवापी वो एक शिवलिंग तो था ही, वहाँ पे संस्कृत का पठन पाठन होता था, वो कुआं है, ज्ञान का कुआं, ज्ञान का कुंड, ज्ञानवापी का मतलब होता है कुआं।
तो कहने का मकसद ये है कि वो मंदिरों हिंदुओं के हाथ में आने वाला है, तो षड्यंत्र के तहत जज साहब को भी धमकाया जा रहा है, लेकिन उनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। जज साहब के साथ ये पूरा देश खड़ा है, और योगी जी के राज्य में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये अलकायदा या ये जो मुस्लिम समाज है, कभी मस्जिदों जुम्मे की नमाज के बाद धमकियाँ दे रहा है रोडों पर उतर के, या जजों को धमकियाँ दे रहा है, या प्रवक्ता को धमकी दे रहा है, ये गलत है। ये देश लोकतांत्रिक है, ये संविधान से चलता है, आप धमकियों का सहारा लेना बंद करो। अच्छा ये बात बताइए, जामा मस्जिद पे भी प्रदर्शन किया गया, क्या धार्मिक जगह, सवाल ये है कि क्या धार्मिक जगह प्रदर्शन करने का केंद्र बन चुका है? सर बिल्कुल बन चुका है, सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये दंगा कर रहे हैं। आप प्रदर्शन ना कहें, ये हिंसक हो रहे हैं। रांची में पुलिस वालों को मारा इन्होंने, प्रयागराज में पुलिस वालों को मारा, मुरादाबाद में पुलिस वालों को मारा, सहारनपुर में पुलिस वालों को मारा, पश्चिम बंगाल में हावड़ा में पूरा का पूरा जाम कर दिया इन्होंने हाईवे। क्या तरीका है ये? एक हिंदुओं का घर जला दिया, वहाँ पे बेचारा जिंदा जल के मर गया एक हिंदू। क्या ये देश में ये संविधान को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हिंसक प्रदर्शन की क्या ज़रूरत है? कोई मांग मनवानी है ज्ञापन सौंपो राष्ट्रपति तक को, इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपो। ये हिंसा का सहारा क्यों लिया जा रहा है? ये तो हमारी व्यवस्था को सोचना पड़ेगा। अगर ये कुछ चंद 20-25 करोड़ लोग हमें धमकी दे रहे हैं, अगर हम 80% 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू अगर रोड पे उतर गए तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी इनको। लेकिन हम कौन है सहिष्णु, वो कौन है असहिष्णु? हम संविधान के सम्मत चलते हैं, हम अपने किसी भी धार्मिक किताब को उन पे नहीं थोपते, लेकिन वो शरिया कानून हम पे थोपना चाहते हैं, वो अपनी बुके हम पे थोपना चाहते हैं, लेकिन वो चलेगा नहीं। तुम्हें सहारा लेना है कानून का लो, अगर हिंसा कहोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाएगी, फिर तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। अच्छा ये नवाजुद्दीन ये है जो कई एक्टर का भी आया बयान आया कई, उसमें और उसमें एक एक्टर ने ये बोला कि भारत में मुसलमानों को उस तरह की इज्जत नहीं दी जाती है जितना हिंदुओं को मिलती है। देखो उन्हें 57 देशों में से किसी भी देश में जाने की खुली छूट है, जाओ और मरो। सीरिया जाओ, इराक जाओ, ईरान जाओ, अफगानिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, हो सके तो बांग्लादेश जाओ। 4 महीने बाद वो बर्बाद होने वाला है, उनके पास 4 महीने का ही फॉरेन रिजर्व है। आप इन सब देशों में जाके अपनी ऐसी तैसी करवा सकते हो, भारत को ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है। ये वो भारत है जो कोरोना काल के 2 साल में 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं निरंतर, और ये वो देश है जो अफगानिस्तान को 50,000 टन अनाज बेचता है ह्यूमनिटेरियन। ये वो देश है जो बांग्लादेश को मदद देता है 44,000 टन अनाज की। ये वो देश है जो 1,00,000 करोड़ रुपए उधार देता है श्रीलंका को मुसीबत के समय पे। ये वो देश है जो दो वैक्सीन फ्री लगाता है अपने नागरिकों को, 200 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन हमारे से बड़ा, सनातनियों से बड़ा कोई भी मानवतावादी हो ही नहीं सकता। और अपना ये ढकोसलेबाजी है ना, अपने घर में जाके सुनाओ, ठीक है? अच्छा एक सवाल बताइए, ये जब नाम आता है तो एक कौम ये बस बोलता है कि बस एक ही कौम का नाम क्यों आता है, हमारा ही कौम का क्यों नहीं नाम आता? सर इस देश में जैन रहता है, पारसी रहता है, यहूदी भी रहता है, सिख भी रहता है, हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है। दंगे हमेशा मुसलमान क्यों करता है? रोड पे हमेशा मुसलमान क्यों उतरता है? इस देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, कभी आपने सुना है जैन पर्सनल लॉ बोर्ड? क्या सिख पर्सनल लॉ बोर्ड है? क्या बौद्ध पर्सनल लॉ बोर्ड है? क्या हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है? एक बात बता, पारसी सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, टाटा कम्युनिटी है, टाटा के जो कम्युनिटी है, क्या उन्होंने कभी को प्रोटेस्ट किया? उन्होंने दंगा किया? क्या किसी का सर फोड़ा? क्या किसी रामनवमी पे पत्थर फेंके? नहीं, उनका कोई पर्सनल कानून है नहीं। फिर इन लोगों को क्यों आग लगी हुई है? जाए ना पाकिस्तान में, मर जाए, पता लग जाएगा इन्हें वहाँ पे ₹200 का $1 हो रखा है, और वहाँ पे देखो ₹200 का पेट्रोल हो रखा है, तब पता चलेगा इन्हें भारत में ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है। लोकतांत्रिक देश को अस्थिर करना चाहते हैं लोग। मैं मोदी सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से मांग करूँगा, सुप्रीम कोर्ट छुओ मोटो ले, और मोदी सरकार ऐसे दंगा फसादी लोगों पे ऐसी कार्रवाई करे कि दोबारा खड़े होने लायक ना रहे और भारत के विरुद्ध एक शब्द ना बोलने लायक रहे।